पानी पूरी खाना सभी को पसंद होता है, तो पानी पूरी का अगर पानी टेस्टी हो और उसका आलू का मसाला टेस्टी हो तो पानी पूरी खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो आज हम घर पर बनाएंगे पानी पूरी का बहुत ही चटपटा और मसालेदार पानी और उसकी इमली की मीठी चटनी, और साथ ही में हम बनाएंगे उसका चटपटा आलू का मसाला। बिल्कुल ठेले स्टाइल आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। घर पे जो हम इसका पानी बनाएंगे और आलू का मसाला बनाएंगे वो हम बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से और बिल्कुल हाइजीन बनाएंगे। अक्सर हम पानी पूरी बाहर खाते हैं, ठेले पे खाते हैं, तो बिल्कुल भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो क्यों ना हम बिल्कुल ठेले स्टाइल पानी पूरी की रेसिपी घर पे बनाएं। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति। वेलकम बैक इन माई चैनल प्रीतीज केक एंड कुकिंग। सब्सक्राइब करें प्रीतीज केक एंड कुकिंग को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे पानी पूरी का तीखा चटपटा और मसालेदार पानी। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे 1 कप जितनी धनिया पत्ती और 1/4 कप जितना यहाँ पर हम ले लेंगे पुदीने के पत्ते। इन पत्तों को हमने अच्छे से धो लिया है 3 से 4 बार साफ़ पानी से और उनको मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और फिर यहाँ पर हम ले लेंगे 3 से 4 टुकड़े हरी मिर्चों के और 2 से 3 टुकड़े हमने यहाँ पर ले लिए हैं अदरक के। और थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल के इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमें एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बना लिया है इस तरह का। इसमें जो मोटे दरदरे पीस दिख रहे हैं उनको भी हम छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पानी के लिए मिक्सचर रेडी है। तो अभी एक छलनी की हेल्प से एक बड़े बर्तन में इसको हम छान लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के जो हमारे जार में इसका कस बच गया है उसको भी हम ले लेते हैं और स्पून की हेल्प से अच्छे से हम दबा दबा के इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत ही अच्छे से छान लिया है, बिल्कुल इसका अच्छा पानी निकल गया है। तो अभी इसको इसके फाइबर को हम साइड में रख देंगे और जो इसका पानी छन के निकला है उसके अंदर हम और भी बहुत सारा पानी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसके अंदर बहुत सारा पानी ऐड कर दिया है। फिर इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम मिलाएंगे मसाले। तो यहाँ पर हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा हम इसमें मिलाएंगे काला नमक और फिर इसमें हम मिलाएंगे 1 टेबल स्पून जितना चाट मसाला, 1/4 टेबल स्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जितना यहाँ पर हम मिलाएंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा लगभग 2 पिंच जितना इसमें हम मिला लेंगे अमचूर पाउडर, जिससे इसमें थोड़ा खट्टापन टेस्ट आएगा। यहाँ पर आप अमचूर पाउडर की जगह इमली का पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी लास्ट में इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बूंदी और बूंदी डालने के बाद में हम पानी को रख देंगे फ्रिज में 1/2 से 1 घंटा के लिए। ठंडा हो जाएगा हमारा पानी और ठंडा होके सेट हो जाएगा और इसमें हमने जो भी मसाले ऐड किए हैं वो सारे मसाले हमारे पानी में अच्छे से घुल जाएंगे और उनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तब तक हम बनाते हैं इसके लिए मीठी इमली की चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 1/2 कप जितनी इमली ले ली है। इमली में हम पानी डाल देंगे और पानी डाल के इमली को हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से भिगाएंगे। जब इमली हमारी भीग जाएगी तो उसे हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद में इसमें हम डाल देंगे गुड़। गुड़ यहाँ पर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, लगभग 1 से 1.5 कप जितना हमने गुड़ डाल दिया है और उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जब गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए तब इसमें 2 से 3 अच्छे उबाल आने देना है हमें। तो यहाँ पर देखिए हमारे इमली की चटनी में काफ़ी अच्छे से उबाल आ गए हैं। तो अभी यहाँ पर इसमें हम ऐड करेंगे हमारे मसाले। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना काला नमक डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया है भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/4 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर एक उबाल आने के बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पानी को हमें ठंडा कर लेना है। तो जब तक हमारा इमली का पानी ठंडा हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं इसके लिए आलू का मसाला। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए 4 मैश्ड आलू लिए हैं। इसमें हमने डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग,
लगभग हाफ टेबल स्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हमने यहाँ पर दिया है अमचूर पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में देखिए हमारा चटपटा और बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीके से आलू का मसाला बनके रेडी है। ये आलू का मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमारा आलू का मसाला बन गया है और यहाँ पर एक साइड में हमारी इमली की चटनी भी ठंडी हो गई है, तो इसको हमने एक जार में डाल दिया है और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर इमली की चटनी अच्छे से ग्राइंड हो जाने के बाद में इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद में यहाँ पर हमारी इमली की चटनी तैयार है। यहाँ पर इसको आप इमली का पानी भी बना सकते हैं, अगर आप इसके अंदर पानी मिक्स कर देंगे तो ये इमली का पानी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे इमली के पानी वाली इमली की चटनी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर हमारे पानी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये हमारा जो पानी है वो भी बिल्कुल सेट होके रेडी है। तो यहाँ पर हम एक एक पूरी को लेंगे और इसके अंदर हम भरेंगे आलू का मसाला, फिर इसमें हम डालेंगे हमारी मीठी वाली चटनी और फिर इसमें हम डालेंगे हमारा तीखा और चटपटा पानी और फिर इसका हम इंजॉय लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पानी पूरी रेडी हो गई है। तो अभी इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ हमारी पानी पूरी कैसी बनी है। बहुत ही अमेजिंग और लाजवाब हमारी पानी पूरी बनी है। इसका जो आलू का मसाला है, इसकी जो मीठी चटनी है, तीखा पानी है, सभी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो आप भी चाहे तो पानी पूरी को इस तरह से सर्व कर सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर बता रही हूँ, या आप इसको सिंपल तरीके से भी खा सकते हैं जैसे मैंने पहले खा के बताया था। तो यहाँ पर आप इस पानी पूरी के पानी की रेसिपी, इसके मसाले की और साथ में इमली की मीठी चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप बाहर के ठेले की पानी पूरी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया हमारी सब चीज़ें बनी हैं। तो आप भी बिल्कुल हाइजीन तरीके से घर पे ये सब चीज़ें बनाइए और पानी पूरी का इंजॉय लीजिए। और अगर आपको हमेशा की तरह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करें, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोस मिल सके। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं प्रीतीज केक एंड कुकिंग पर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।